स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आने वाली 15 नौकरियां कौन कौन सी हैं। यदि आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ चुकी हैं तो आप सभी 15 नौकरियां पा सकती हैं। तो वेतनमान जहां बात करें 4000 रुपये से लेकर 15000 रुपये तक आप सभी को स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत आने वाली समस्त योजनाओं के तहत आप नौकरियां पा सकती हैं और अपने आप को साबित कर सकती हैं। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ और संपूर्ण जानकारी आप सभी को अपनी इस वीडियो के साथ आप सभी को देने जा रहे हैं, जहां 15 नौकरियों के तहत आप अपने आप को आत्मनिर्भर साथ में आप सशक्तकरण की नई राह पर चल सकते हैं। कृषि सखी कैसे बने? कृषि सखी बनने के लिए आप सभी को सरकार द्वारा स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा और जहां आप सभी को फसलों से संबंधित सामान्य जानकारी के साथ बीजों का चयन करना, वहीं उर्वरकों का छिड़काव करना, पेस्टिसाइड वहीं आदि मूलभूत जानकारी रखेंगे। तो आप सभी को इसके तहत ट्रेनिंग दी जाएगी और इन्हें कृषि विभाग द्वारा सामान्य जानकारी मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ ही कृषि में हो रहे नव विचारों और साथ में आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी देकर उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा। आखिर कृषि सखी कैसे बने? कृषि सखी बनने के लिए आप सभी को स्वयं सहायता समूह की महिला के तौर पर कार्य करना होगा। तो जानते हैं इनके वेतन में कितना यहाँ पर सरकार वेतन देती है। तो कृषि सखी आप बनने के लिए आप सभी को स्वयं सहायता समूह में नियुक्ति महिला को वेतन के आधार 1000 रुपए से 6000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। पशु सखी, पशु सखी का चयन की प्रक्रिया शुरुआत स्वयं सहायता समूह की वीओ या सचिव के द्वारा किया जाता है, जो यह तय करते हैं कि कौन सा सदस्य इसके पात्र हैं। तो वीओ और सचिव के द्वारा आप सभी का चयन किया जाता है। इन प्रक्रिया के बाद महिला का लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद इंटरव्यू किया जाता है और इन दोनों परीक्षा में सफल महिला को पशु सखी का चयन किया जाता है। तो बात करते हैं इन सभी का क्या वेतनमान रहता है। तो बात करें इन सभी की वेतनमान की, तो आप सभी को पशु सखी की ट्रेनिंग लेते हुए ग्रामीण अंचल की महिला होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों की इन महिलाओं को राजीविका के द्वारा यहां पर 1500 रुपए का मासिक भत्ता भी उपलब्ध कराया जाता है और आप सभी को यह सरकार की तरफ से मुहैया किया जाता है। पशु सखी, पशु सखी कैसे बने? पशु सखी बनने के लिए आप सभी को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। साथ में आप सभी का जो गांव की एक महिला है जिसे गाय, भैंस, बैल, मुर्गी और बकरियां सहित गांव के जानवरों की नियमित चिकित्सा आवश्यकता अनुसार को यहां पर करनी होती है, जिसे संभालने के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। तो आप सभी पशु सखी बन सकती हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को 4 दिन का प्रशिक्षण सरकार की तरफ से आप सभी के ग्राम पंचायत या ब्लॉक पर जाकर आप सभी को देनी होगी। तो यदि आप इसकी ट्रेनिंग की बात करें तो 4 दिन की ट्रेनिंग आप सभी को इसमें दिया जाता है, जिसमें आप सभी को 10वीं या 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। पंचायत सखी अगला है, पंचायत सखी। यदि आप पंचायत सखी में नौकरी पाना चाहती हैं तो आपको पंचायत सखी एक सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली प्रोग्राम है, जिसके माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को जागरूक और सशक्तकरण करने की कोशिश की जाती है। तो इस योजना के तहत आप काम कर सकती हैं। इसके माध्यम से महिलाओं के बीच नई योजना जैसे जीवन बीमा योजना संबंधित, वहीं वित्तीय संसाधन, स्वास्थ्य और खेती औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना से जुड़ने के लिए आप सभी को सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वयं सहायता समूह से जुड़ना बहुत जरूरी होगा। तो बात करेंगे इन सभी का वेतनमान कितना रहेगा। तो पंचायत सखी, ग्राम पंचायत सखी की सैलरी 6000 से लेकर 9000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, जो पंचायत सखी की योग्यता और अनुभव के आधार पर कम या ज्यादा हो सकती है। आपके टैलेंट के ऊपर बात करती है, आप कैसा कार्य करते हैं, आप कैसा अनुभव रखते हैं, उसके बाद ही यह सैलरी फिक्स की जाती है।
अगली नौकरी है मनरेगा मेट। मनरेगा मेट बनने के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है, यह एक डायरेक्ट भर्ती है जिसके लिए आपको अपने ग्राम प्रधान या ग्राम सेवक से मिलकर एक मनरेगा मेट का फॉर्म लेना होगा जो कि 5 पेज का फॉर्म होता है। इसमें आपको अपना एड्रेस, गांव का नाम, गांव पंचायत का नाम, वही जिला आदि सभी डिटेल्स सावधानी पूर्वक भरनी होती है। इस फॉर्म को आप सभी को ग्राम ब्लॉक पर जाकर आप सभी को यह सबमिट करना होता है। तो मनरेगा मेट की नियुक्ति कौन करता है, तो कैसे होती है इनकी नियुक्ति, इसके लिए प्रत्येक राजस्व गांव में 4 मेट जिसमें 2 महिला 2 पुरुष होंगे। इसका पैनल वैज्ञानिक विज्ञापन जारी कर ग्राम पंचायतवार प्रार्थना पत्र कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में प्राप्त कर बनाया जाता है। तो बात करते हैं इनका वेतनमान, तो इनका वेतनमान 2023 और 2024 के हिसाब से आप सभी को जो मनरेगा मजदूरों की मेट की एक दिन की मजदूरी है वह 240 रुपए प्रति दिवस से बढ़कर अब 255 रुपए प्रति दिन कर दी गई है, जो कि यह सरकार की तरफ से लागू 2023 और 2024 के हिसाब से आप सभी को मनरेगा मेट के तौर पर दी जाती है। अगली नौकरी है समूह सखी। समूह सखी कैसे बनते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की 10 से 15 महिलाओं के जरिए एक स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है जिसमें दूसरे भाषा में जीविका भी कहा जाता है, जिसमें एक अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और 3 से 4 महिलाओं को सचिव के रूप में चुना जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को समूह सखी 1 महिला को बना दिया जाता है, जिसके तहत इन महिलाओं को कितना पैसा मिलता है समूह सखी के तहत, आप सभी को 6,000 रुपए यहाँ पर वर्तमान में मानदेय के तौर पर आप सभी को दिया जाता है। तो समूह सखी की ट्रेनिंग यहाँ पर समूह सखी की ट्रेनिंग स्वयं सहायता समूह में ही की जाती है और इस नौकरी को पा आप सकती हैं। बिजली सखी योजना क्या है, यदि आप बिजली सखी बनना चाहते हैं, यदि आप बिजली सखी योजना के तहत कार्य करना चाहते हैं, तो आप सभी को विद्युत सखी या बिजली सखी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के रूप में बिजली सखी योजना चलाई गई है जिसकी माध्यम से महिलाओं को रोजगार मुहैया कराना है। बिजली बिल भुगतान करना, लंबित या बकाया बिल का वसूली करना, वहीं विद्युत संबंधित कार्यों को करने के लिए महिला कर्मचारी को विद्युत सखी कहा जाता है। तो आप सभी इस योजना के तहत जुड़कर अपना यहां पर रोजगार शुरू कर सकते हैं और आपको इस योजना के तहत जुड़ने के लिए, आपको विद्युत सखी बनने के लिए आपको स्वयं सहायता समूह की महिला के तहत जुड़ना होगा और रोजगार आप सभी को यहां पर दिया जाएगा। तो योजना यहां पर आप सभी को इस बिजली सखी का यहां पर काम दिया जाएगा जिसमें योग्यता आप 10वीं पास होनी बहुत जरूरी है, वही वेतनमान 8,000 रुपये से लेकर आप सभी को 15,000 रुपये महीने तक आप सभी को यहां पर दिया जाएगा। बिजली सखी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, साथ ही महिलाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किया जाएगा। इच्छुक स्वयं सहायता समूह के सदस्य इस रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीसी सखी महिला बनने के लिए आप सभी को क्या कुछ करना होगा, बीसी सखी योजना के अंतर्गत पहले आप सभी को 6 महीने तक 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, वहीं बैंक डिवाइस खरीदने के लिए आप सभी को 50,000 रुपये यहां पर दिए जाते हैं। इसके अलावा बैंकिंग कार्यों के लिए एक कमीशन भी प्रदान किया जाएगा, यदि आप इसके तहत कार्य करते हैं तो 6 महीने के बाद आप सभी को यहां पर कमीशन के तौर पर कार्य करना होगा, जिसमें 6 महीने पूरे होने के बाद उस कमीशन के माध्यम से कमाई कर सकती हैं। तो आप सभी को सबसे पहले आप सभी को यहां पर यह कार्य करना होगा और इसमें आप सभी को 6 महीने तक 4,000 रुपये और उसके बाद आप सभी को कमीशन के बेस पर कार्य करना होगा। आप सभी के लिए इसमें 10वीं पास होना बहुत जरूरी है, यदि आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो आप सभी को ऑनलाइन इसमें बीसी सखी ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसके माध्यम से आप ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपने अपने ग्राम पंचायतों में इसे फॉर्म भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं और इस रोजगार को आप शुरू कर सकते हैं। ड्रोन सखी, ड्रोन सखी को हर माह सरकार की तरफ से 15,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी, जहां 10 से 15 गांव के बीच एक महिला पायलट को महिला कलेक्टर के नाम से भी जाना जाएगा। हर गांव के
लिए पहले महिला कलेक्टर को चुना जाएगा, फिर उस महिला पायलट को 15 दिन की ट्रेनिंग सरकार की तरफ से दी जाएगी। इन 15 दिनों में महिला कलेक्टर महिला पायलट को ड्रोन से संबंधित सारी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें कृषि उपजों में जो खाद छिड़काव से लेकर हो या फसलों में आने वाली बीमारी से संबंधित जानकारी, और वहीं ड्रोन उड़ाने के लिए इसको इन महिलाओं को 15,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। आप सभी को इस योजना से जुड़ने के लिए, ड्रोन सखी बनने के लिए आपको यहां पर स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। बिजली सखी योजना क्या है? यदि आप बिजली सखी बनना चाहते हैं, यदि आप बिजली सखी योजना के तहत कार्य करना चाहते हैं, तो आप सभी को विद्युत सखी या बिजली सखी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार के रूप में बिजली सखी योजना चलाई गई है, जिसकी माध्यम से महिलाओं को रोजगार मुहैया कराना है, बिजली बिल भुगतान करना, लंबित या बकाया बिल का वसूली करना, वहीं विद्युत संबंधित कार्यों को करने के लिए महिला कर्मचारी को विद्युत सखी कहा जाता है। तो आप सभी इस योजना के तहत जुड़कर अपना यहां पर रोजगार शुरू कर सकते हैं। और आपको इस योजना के तहत जुड़ने के लिए, आपको विद्युत सखी बनने के लिए आपको स्वयं सहायता समूह की महिला के तहत जुड़ना होगा और रोजगार आप सभी को यहां पर दिया जाएगा। तो योजना यहां पर आप सभी को इस बिजली सखी का यहां पर काम दिया जाएगा, जिसमें योग्यता आप 10वीं पास होनी बहुत जरूरी है। वही वेतनमान 8,000 रुपये से लेकर आप सभी को 15,000 रुपये महीने तक आप सभी को यहां पर दिया जाएगा। बिजली सखी के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, साथ ही महिलाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किया जाएगा। इच्छुक स्वयं सहायता समूह के सदस्य इस रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं।